बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट फ्रॉम एबटाबाद। आज हमने बात करनी है सेक्शन 365B पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताजरात पाकिस्तान की सेक्शन 365B के हवाले से कुछ कुछ गुजार करूँगा जनाब के। और सेक्शन 365B जब कोई भी शख्स किसी औरत को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने पर मजबूर करता है और इस नीयत से उसे अगवा करता है तो उस पे सेक्शन 365B का इतलाक होता है। पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 365B जो है इसके तहत जो जो जुर्म जिस पे इतलाक होगा तो इसकी सजा है उम्र कैद और इसके साथ जुर्माना यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट इस पे एक सज़ा है और साथ फाइन भी है। तो कोई भी शख्स या कोई भी औरत उसकी ये उसका ये हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करें, किसी को यक नहीं पहुँचता कि वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको शादी करने में मजबूर करे या कोई भी डेटेंस पैदा करे या कोई भी उसको धमकी दे या असले की नोक पे उससे शादी करे, किसी को यह हासिल नहीं है। तो इंसानी हकूक के वाले से बात करें तब भी इंसान का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें भी ये चीज़ें वाज़े हैं और दीन इस्लाम ने मर्द और औरत को ये आज़ादी दी है कि जो वो अपनी शादी के वाले से भी अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करें, वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो जीवन साथी चुने और इसमें कोई भी उनको जो है ना जी ज़बरदस्ती शादी करने पर किसी के साथ मजबूर नहीं कर सकता। तो सेक्शन 365B इसकी पनिशमेंट है जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ फाइन भी है। तो ये था जी किसी भी औरत को मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगवा करना और उसकी सज़ा। हम तमाम दोस्तों को तमाम हमारे बहन भाइयों को इन चीज़ों पर नज़र रखते हुए कवानीन पर अमल करना होगा और जहाँ पर भी कोई इस तरह का कोई जुर्म कोई हो रहा है अगर पेरेंट्स उसकी रिपोर्ट नहीं भी करते तो दीगर शहरियों की भी जिम्मेदारी है, हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बड़े अच्छे तरीके से पूरी कर रही है। तो बस यही मेरी चंद गुजारिशात थी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त।